दोस्तों, आप सभी किसी ना किसी गॉड को तो मानते ही होंगे, या फिर अगर आप गॉड में नहीं मानते तो आप ये तो मानते ही होंगे कि इस पूरी यूनिवर्स में काफ़ी सारी इनविजिबल एनर्जीज हैं और उन एनर्जीज पर आपका बिलीव ज़रूर होगा कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि ये पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि BTS के मेम्बर्स का क्या रिलीजन है और उनके क्या बिलीव्स हैं? दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम यूं ही आपके लिए BTS से जुड़ी अमेजिंग वीडियोस लाते रहें तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, यूजुअली अगर आप कोरियंस की बात करें तो वो अपने रिलीजन की ज़्यादा बातें नहीं करते और ना ही वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिवील करते हैं। और दोस्तों, उसी तरह BTS के मेंबर्स ने भी कभी भी अपने रिलीजन को लेकर ज़्यादा बातें नहीं करी हैं। और दोस्तों, उनकी वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि बात करते वक्त कभी भी उनके मुंह से किसी भी गॉड का नाम नहीं देखने को मिलता। और दोस्तों, बात करें मेंबर्स की जिन्होंने कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी पर बात करी है, तो अगर बात करें सबसे पहले हमारे BTS के लीडर की यानी RM की, तो उन्होंने तो एक बार एक इंटरव्यू में खुद ही ये बात रिवील करी थी कि उनका कोई भी रिलीजन नहीं है और वो गॉड को मानते भी नहीं हैं, वो एथिस्ट हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हालांकि कुछ फैंस ने काफ़ी बार ऐसी चीज़ें नोटिस करी हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं RM का बिलीफ है कि कोई सुपरनैचुरल पावर तो ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों, RMY ने खुद एक बार नोटिस किया था कि RM के लिखे हुए एक सॉन्ग के फ्रेज में प्रेयर्स करने की बात करी गई थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारी आर्मीज ने एक बार देखा था कि RM ने एक फोटो में क्रिश्चियन सिंबल का एक नेकलेस पहना हुआ था जहां पर पेंडेंट में क्रॉस साइन बना हुआ था। और दोस्तों, उसके बाद काफ़ी सारी आर्मीज को ये लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि RM क्रिश्चियनिटी से जुड़े हों। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी कन्फर्म कहीं पर भी नहीं बताया गया है। और दोस्तों, देखा जाए तो खुद तो RM ने यही बोला है कि वो किसी भी गॉड या रिलीजन को नहीं मानते हैं, वो सबको एक जैसा मानते हैं और उनके लिए कोई भी एक भगवान नहीं है। दोस्तों, इसके साथ साथ जिनने भी कभी अपनी स्पिरिचुअलिटी की बातों को रिवील नहीं करा है और ना ही वो इस टॉपिक को कभी भी बातों में छेड़ते हैं। हालांकि दोस्तों, RMY को इसी वजह से ऐसा लगता है कि हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन का भी कोई रिलीजन नहीं है और वो किसी भी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हैं। हालांकि दोस्तों, जब शुगा से पूछा गया तो उनका आंसर थोड़ा सा अलग था और खास था। दोस्तों, शुगा का ये कहना है कि वो रिलीजियस नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि एज एन इंडिविजुअल हम काफ़ी समय पर वीक पड़ जाते हैं और अकेले हो जाते हैं और इसीलिए ऐसे समय पर वो प्रे करते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अकेले होते हैं या फिर वीक फील कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो यूनिवर्स की एनर्जी से कॉन्टैक्ट कर सके और अपनी वाइब्स को वहाँ ट्रांसफ़र कर सके। हालांकि वैसे उनका यही मानना है कि कोई एक रिलीजन नहीं होता, ना ही कोई ऐसा भगवान होता है, पर उनके हिसाब से इंसान को हर कदम पर किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती रहती है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और दोस्तों, बाकी मेंबर्स की तरह J-Hope के बारे में भी यही कहना है कि वो नॉन रिलीजियस हैं, क्योंकि कभी भी उनके मुंह से किसी भी स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं सुनी गई हैं। हालांकि दोस्तों, RMY का कहना है कि J-Hope के नाम में जो वर्ड है होप, ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से जोड़ता है। और दोस्तों, इसीलिए RMY का कहना है कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इस रिलीजन में बिलीव करते हों। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे क्यूट मोची यानी Jimin की बात करी जाए तो उन्होंने भी कभी भी अपने रिलीजन की बात को डिस्क्लोज नहीं करा है। हालांकि Jimin ने जो भी पढ़ाई करी है वो हमेशा क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं और दोस्तों, इसीलिए RMY को लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियंस के रिलीजन से जुड़े हुए हैं और उनके मन में थोड़े बहुत क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स बैठे हुए हैं। दोस्तों, बात करें हमारे प्यारे मेंबर V की, तो लोगों का काफ़ी बार ये कहना रहता है कि V क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और दोस्तों, इसके प्रूफ खुद लोगों ने देखे हैं। हालांकि V ने कभी भी इस पर बात नहीं करी है। जैसे कि दोस्तों, RMY ने एक बार नोटिस करा था कि V के फ़ोन में एक खास प्लेलिस्ट थी जिसमें काफ़ी सारे क्रिश्चियन प्रेयर्स के सॉन्ग थे और दोस्तों, एक बार अपनी ग्रैंड मदर की वर्शिप करने में उन्होंने इन्हीं सॉन्ग्स को प्रेयर किया था।
और दोस्तों इसके साथ साथ एक बार परफॉर्म करते टाइम वी ने अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें एक फ्लाइंग किस भी करी थी। और दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने उन्हें फ्लाइंग किस करी थी और उसके बाद उन पे हाथ जोड़ा था, दोस्तों से देख के लग रहा था कि वो टोटली एक क्रिश्चियन जेस्चर है, जिसके बाद काफी सारे लोगों का कहना था कि माना जा सकता है कि व्री को क्रिश्चियनिटी में काफी ज्यादा बिलीव है। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे गोल्डन मार्कने ने भी बाकी मेंबर्स की तरह कभी भी अपने रिलीजन की कोई बात नहीं करी है। हालांकि दोस्तों फिर से आर्मी का यही कहना है कि क्योंकि जंगकुक ने अपनी सारी पढ़ाई एक क्रिश्चियन स्कूल से करी है और वहां पर काफी सारी प्रेयर्स भी होती थी और चर्च भी था, तो शायद से कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्रिश्चियनिटी को लेकर थोड़े बहुत बिलीव होंगे। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो साउथ कोरिया में क्रिसमस को एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और वहां पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, लेकिन दोस्तों मोस्टली वहां पर ऐसे ही लोग हैं जो इरिलीजियस हैं या फिर एथिस्ट हैं। तो माना जा सकता है कि BTS का क्या रिलीजन है ये कहीं पर भी कंफर्मली नहीं बताया गया है। तो आर्मी आपको क्या लगता है BTS का क्या रिलीजन है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।